सबसे पहले जाने इत्र क्यों है महत्वपूर्ण। जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो उनसे मिलते वक्त हमें हर तरह से खुद को साफ सुथरा और खुशबूदार दिखाने में खुशी मिलती है। साथ ही सामने वाले पर भी हमारी पर्सनालिटी का असर पड़ता है। कई बार हमारी खुशबू से सामने वाले का खराब मूड भी अच्छा हो जाता है। ये खुशबू हमारी पहचान बन जाती है। कई बार हमारी खुशबू से हमें पहचान लेते हैं लोग। और वैसे भी सुगंधित वातावरण किसको पसंद नहीं आता, इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि वो सदा महकते रहें। कैसे शुरू करें परफ्यूम का बिजनेस। परफ्यूम हर वर्ग का व्यक्ति इस्तेमाल करता है, चाहे लड़का हो, लड़की, बूढ़ा, जवान। यानी कि आपके पास ग्राहकों की पूरी रेंज मौजूद है। परफ्यूम का बिजनेस काफी फायदेमंद बिजनेस है। अगर आप परफ्यूम के बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले परफ्यूम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। परफ्यूम क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे बिकता है, कैसे उसे रखा जाता है। अगर आपके पास इन सारे सवालों के जवाब हैं तो फिर आप आसानी से इस बिजनेस में सफल बन सकते हैं। परफ्यूम कितने प्रकार के होते हैं जान लीजिए। बाजार में परफ्यूम की अच्छी खासी कैटेगरी उपलब्ध है। किसी में आपको तेज खुशबू मिलती है तो किसी में हल्की। इसलिए आपको पहले ये सोचना होगा कि आपको कैसा परफ्यूम बनाना है। इसके लिए आपको इसके सारे प्रकारों के बारे में पता होना चाहिए। पार्फम। पार्फम का मतलब हिंदी में शुद्ध इत्र से होता है। इस तरह का परफ्यूम काफी तेज खुशबू वाला होता है। इसमें अल्कोहल की मात्रा काफी कम होती है। यो डे पार्फम दूसरे टाइप का परफ्यूम है जो बाजार में बिकता है। इसकी कीमत पार्फम प्रकार के परफ्यूम से कम होती है और इसकी खुशबू भी बहुत ज्यादा तेज नहीं होती। यो डे कोलोन। इस तरह के परफ्यूम में भी खुशबू काफी मध्यम होती है और ये परफ्यूम सस्ता भी होता है। इस तरह के परफ्यूम में सिर्फ 2% फ्रेग्रेंस कंसेंट्रेशन डाला जाता है, इसलिए ये लंबे समय तक खुशबू नहीं देता। यो डे ट्विलेट। इस तरह के परफ्यूम में काफी मात्रा में अल्कोहल मिलाया जाता है, साथ ही इसमें फ्रेग्रेंस कंसेंट्रेशन काफी कम मात्रा में होता है, जिसके चलते ये परफ्यूम 2 से 3 घंटे तक खुशबू देता है। यो फ्रेची। ये काफी सस्ते परफ्यूम होते हैं। इनमें फ्रेग्रेंस कंसेंट्रेशन सिर्फ 1% तक होता है और इसमें अल्कोहल की मात्रा भी ना के बराबर होती है। इसे बनाने में पानी इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल परफ्यूम से मिलने वाली फ्रेग्रेंस को 2 कैटेगरी में रखा जाता है। ये कैटेगरी है मेल और फीमेल। पुरुषों के लिए अलग तरह से परफ्यूम बनाया जाता है तो वहीं महिलाओं के लिए अलग तरह से। दरअसल प्रकृति में मिलने वाली बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी खुशबू महिलाओं की तरह सौम्य और पुरुषों की तरह मोहक होती है। तो परफ्यूम बिजनेस में इस बात का ध्यान रखकर ही फ्रेग्रेंस बनाई जाती है। तो आप भी जब अपना बिजनेस शुरू करें तो ये बातें ध्यान में रखें। आपका परफ्यूम तभी बिकेगा जब आपके परफ्यूम की खुशबू सबसे अलग होगी। बिजनेस का पहला रूल है कि आपको बाकियों से अलग बनना है, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। तो आपको भी अपने परफ्यूम को ऐसी खुशबू युक्त बनाना है जो पहले बाजार में मौजूद ना हो, तभी लोग आपका परफ्यूम खरीदेंगे और तभी आपका परफ्यूम बाजार में अपनी नई पहचान बना पाएगा। ये याद रखिएगा कि इस बिजनेस में ग्राहक को हमेशा कुछ नया और कुछ अलग चाहिए। कैसे बनाया जाता है परफ्यूम। किसी भी परफ्यूम को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, टॉप नोट्स, मिडिल नोट्स और बेस नोट्स। इन तीनों को मिलाकर ही एक परफ्यूम की खुशबू तैयार की जाती है। टॉप नोट वो खुशबू होती है जो परफ्यूम के छिड़कते ही आपको फील करते हैं और वो जितनी तेजी से नाक पर चढ़ती है उतनी ही जल्दी खत्म हो जाती है। इसके बाद मिडिल नोट्स वाली खुशबू का असर है जो काफी मध्यम होता है। इसका असर 4 से 5 घंटे तक रहता है और इसके खत्म होते ही बेस नोट्स रह जाता है। परफ्यूम बनाने की रेसिपी। लेकिन परफ्यूम बनाने के लिए आपको टॉप, मिडिल और बेसिक नोट्स के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। परफ्यूम बनाने में जोजोबा, स्वीट आलमंड और ग्रेप सीड ऑयल का इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले आपको इनका इंतजाम करना होगा। इसे कैरियर ऑयल कहा जाता है। अब इस ऑयल में आपको बेसिक, मिडिल और टॉप नोट्स को मिलाना होगा। इसके बाद इसमें कुछ ऐसा मिलाया जाता है जो इन सब को साथ में होल्ड कर सके और इसके लिए ही अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल परफ्यूम के नोट्स को डिफ्यूज होने में मदद करता है। वोडका इस्तेमाल इसमें ज्यादा होता है क्योंकि वोडका की खुद की कोई खुशबू नहीं होती। अगर आप इस तरह की खुशबू को सॉलिड रूप देना चाहते हैं, जैसा कि कोई लिप बाम या बॉडी रोल ऑन, तो उसके लिए आपको इस मिक्सचर में पिघली हुई बी वैक्स मिलानी पड़ती है। परफ्यूम बनाते वक्त ध्यान रखें कि आप उनको किसी डार्क ग्लास कंटेनर में ही बनाएं, क्योंकि परफ्यूम को लाइट में बचाना बहुत जरूरी होता है। लाइट या सूरज की रोशनी में आते ही परफ्यूम उड़ जाता है। अगर आप किसी फूल, पत्ती या हर्ब्स की खुशबू वाला परफ्यूम बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि फूलों के पत्ते ठीक से सूख चुके हों। गलती से भी फूल का कोई ऐसा पार्ट उसमें ना डालें जिसमें या तो खुशबू ना हो या फिर उसकी खुशबू बेकार हो। परफ्यूम की कीमत। परफ्यूम की एक बूंद की कीमत हजारों में होती है। अच्छे परफ्यूम 5,000 रुपए 100 ml के हिसाब से मिलता है। जितना कठिन प्रोसेस उतनी ज्यादा कीमत। ये परफ्यूम की कीमत को आंकने का तरीका है। अगर ग्राहक एक बार आपकी बनाई जादुई खुशबू का दीवाना हो गया तो फिर आप चाहे तो जो भी कीमत मांगे वो चुकाएगा ही।